नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन, विभिन्न पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरा नामांकन, शांति धारीवाल ने नामांकन भरा झालरापाटन से, रामलाल चौहान ने दाखिल किया नामांकन, टोंक से अजीत सिंह मेहता ने अपना नामांकन पर्चा भरा। वहीं झोटवाड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी राजपाल सिंह शेखावत ने भी पर्चा भरा और कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी ने भी नामांकन दाखिल किया। बीजेपी से सिविल लाइन प्रत्याशी गोपाल शर्मा और शाहपुरा से उपेन यादव ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। 9 नवंबर नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है, जिसके बाद जारी की जाएगी अंतिम प्रत्याशियों की सूची, मतदाताओं को दिया जाएगा अंतिम प्रशिक्षण, वहीं जिसके बाद अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में उनको रवाना किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन रहा, किस तरह की तस्वीरें नजर आई और अब चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारी आगे के लिए? बिल्कुल, देखिए, नामांकन प्रक्रिया का जो अंतिम दिन था वो समाप्त हो चुका है और प्रदेश भर के जो 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो नामांकन प्रक्रिया वो संपन्न हो चुकी है। और बात करें तो अब कल नामांकन पत्रों की जो स्क्रूटनी है वो की जाएगी और 9 नवंबर तक नामांकन जो पत्र है वो वापस लेने का समय रहेगा। दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस ले सकते हैं 9 नवंबर को, और उसके बाद 9 नवंबर को ही तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे जो कांग्रेस और भाजपा या फिर अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के सिंबल पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं उनके राजनीतिक पार्टी का सिंबल दिया जाएगा। साथ ही जो निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं उन्हें नामांकन, निर्दलीय नामांकन है उनको चुनाव चिन्ह अन्य आवंटित किए जाएंगे जो उनकी चॉइस के अनुसार पहले मांगे गए थे। तो इस तरह से प्रदेश भर के जो विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया का समय शुरू हो चुका है और 14 नवंबर से जयपुर के अंदर जो होम वोटिंग की सुविधा है वो शुरू हो जाएगी, उसके लिए भी आवेदन लिए जा चुके हैं। तो इस तरह की तमाम जो प्रक्रिया है वो निर्वाचन विभाग की ओर से की जा रही है। अब बात करें तो जयपुर की 19 विधानसभा क्षेत्रों की, तो 19 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 200 निवासी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और इन 200 निवासी प्रत्याशियों ने 377 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए।